People like you, who depend on you know the thought process. to <laughs> log. Sikandar, uh, Sikandar ke naa ke kinaray kya hai? samandar ke. Sikandar Samandar kinaray jaake lyrics likhni padti thi. Ab Chat GPT ke zamane mein, do you think your job is easier, your job is in danger, or your job is more difficult? See, I'm a an musician and uh, Mera Music. Kaam, uh, like I'm I'm a singer. तो सिंगर हम लोग को जब हम लोग जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं हमें लगता है कि कंपोज कौम, भी खुद करना है लिखना भी खुद है और मतलब गा गाना तो है ही तो उसकी वजह से ना अभी थोड़ी देर पहले मैं रदा से बात कर रहा था एक गाने की कि जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था एंड आई स्टिल हैवन रिलीज़ दैट तो रेदा कह रही थी कि क्यों नहीं किया अभी तक मैं क्या रेदा कभी कभी ना आपके क्रिएटिव ब्लॉकेट uh, आ जाता है कि आपको दिल ही नहीं करता कुछ गाने आप एक महीने भी बना के निकाल निकालते और कुछ साल लग जाते हैं आप रिलीज़ रिलीज़ नहीं कर पाते क्योंकि आपने लिखा नहीं होता अब मेरा ये था कि जैसे ये चैट जीपी पी और वॉट जीपीटी जीपीटी तो अब इससे ये फ़ायदा हो गया है मेरे लिए कि फ़ॉर एग्जांपल अब मैं कोई गाना लिखता हूँ और फिर आगे मेरे से लिखा नहीं जा रहा होता आई कैन टेक हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट और आई थिंक काम आसान भी किया इसने लेकिन काम भी नहीं काम छिन नहीं जाएगा लाइक देर एंड कॉन्स लाइक यू नो आपको जो खुद लिखा हुआ गाना होता है ना यू कैन रिलेट टू दैट एट सम पॉइंट लेकिन फिर ये होता है कि अगर आप उसमें भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आई डोंट टेक कम्प्लीट क्रेडिट्स ऑफ वट आई राइट बिकॉज मैं अगर कोई सैड फील कर रहा हूँ मैं गाना लिख लूँगा आगे फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं किसी लेरसेस से हेल्प ले लेता हूँ बट आई थिंक नाव आई वोट नीड एनी सॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द लेरसिस क्योंकि इसने एक तरह से काम थोड़ा शॉर्ट आउट कर दिया अब जैसे ये भी गाना जो अभी मैंने गाया है तो इसमें भी मैंने खुद से दो तीन वर्ड्स चेंज कर लिए थे क्योंकि अभी तक उन्होंने ये लिख लिखिए वो भी उर्दू में इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी उसने दिखाया मैंने कहा ब्रो ये क्या सीन है ये, ये गाना लिखा है तो इससे काम आसान हो गया है तो आगे की जनरेशन के लिए आई थिंक लिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये चीज़ आगे अगर लोग इसको अच्छे से अडाप्ट करें क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो लोगों ने इसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा लेकिन हम पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत स्लो आती हैं शुरू हो जाए वही <laughs> ये करके दिखाओ भाई हे गाइस यू आर वाचिंग द ऑनेस्ट आवर क्लिप्स चैनल मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अगर आप लोगों को ये ओरिजिनल पॉडकास्ट देखनी है तो फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेम